हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एमका टेक। दोस्तों, अगर आप काफ़ी टाइम से अपना फ़ोन अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, आप काफ़ी टाइम से अच्छी डील का इंतजार कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस समय अमेजन पर अमेजन की रिपब्लिक डे सेल चल रही है और फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डे चल रहे हैं। इसमें कई सारे ऑफर हमें देखने को मिल रहे हैं, कई सारे फ़ोन में कई महंगे महंगे फ़ोन हमें काफ़ी कम कीमत पर देखने को मिल रहे हैं, और इसमें हमें कई सारे बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिलते हैं, जिससे हमें इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। अगर बात करें अमेजन की रिपब्लिक डे सेल, इस फोन में हमें नो कॉस्ट ईएमआई वाले बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके शॉपिंग करते हैं तो आपको डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिलता है। और अमेजन पे हमें बहुत सारे ऐसे फोन देखने को मिल रहे हैं जिनमें 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर हमारे फोन की स्क्रीन 6 महीने से पहले खराब होती है तो हमें फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ टॉप डील्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिससे आपको अपने लिए एक नया फोन खरीदने में काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, शायद इस वीडियो में कोई आपके लिए बेस्ट डील आपके सामने निकल के आ जाए। अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर है और आप एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट डील है आईफोन 12। आईफोन 12 ग्लोबली सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन रहा है। इस फोन की जो परफॉर्मेंस, इस फोन का जो कैमरा हमें देखने को मिलता है, बहुत अच्छा है। इस फोन की जो नॉर्मल कीमत हमें देखने को मिलती है, वो है 65,000 रुपये। अगर आप इस फोन को इस वाली डील में, इस वाली रिपब्लिक डे सेल में खरीदते हैं, तो ये फोन आपको सिर्फ मिलने वाला है 56,000 रुपये में। और अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑफर हमें देखने को मिलेंगे, जिससे इस फोन की कीमत काफी कम हो जाएगी। अगर आप आईफोन में स्विच करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट डील हो सकती है। और अगर आपका बजट थोड़ा कम है, तो आप यहाँ पे आईफोन 12 मिनी को भी खरीद सकते हैं। और अगर बात करें आईफोन 12 मिनी की, ये फोन हमें फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है सिर्फ 41,000 रुपये देखने में। इस फोन की जो A14 वाली बायोनिक चिप है, जो परफॉर्मेंस देती है, बहुत अच्छी है। किसी भी प्रकार कोई लैग या हमें देखने को नहीं मिलता है। और एक जो इसका छोटा सा कॉम्पैक्ट डिजाइन है, हाथ में पकड़ने में काफी अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर आईफोन 14 मिनी को भी खरीद सकते हैं। और अगर आपका बजट बहुत ज्यादा कम है, तो एप्पल का एक दूसरा फोन आता है आईफोन XR। ये फोन 2019 का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था। A12 बायोनिक चिप के साथ जो परफॉर्मेंस हमें इस फोन में देखने को मिलती है, बहुत अच्छी है। जो इसका कैमरा है, जो इसकी बैटरी है, एकदम नेक्स्ट लेवल का है। आप एक सस्ते में भी काफी अच्छा आईफोन खरीद सकते हैं आईफोन XR। यहाँ पे ये फोन आपको सिर्फ 34,000 रुपये में मिलने वाला है। और अगर आप एक सैमसंग का फ्लेक्सी लेवल का फोन खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं सैमसंग S20 FE 5G। अगर बात करें इस फोन की, ये फोन स्नैपड्रैगन 865 के साथ हमें देखने को मिलता है, जिसकी जो स्क्रीन है बहुत अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। एक अलग लेवल का कैमरा हमें इस फोन में देखने को मिलता है। और जो इस फोन का साइज है, नॉर्मल साइज का फोन है, जो हमें हाथ में पकड़ने में भी काफी अच्छा फील होता है। अगर बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, तो ये फोन हमें नॉर्मली 50,000 रुपये की कीमत में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इस फोन को इस वाली सेल में खरीदते हैं, तो ये आपको मिलता है सिर्फ 36,999 रुपये में। साथ ही अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको 10% डिस्काउंट अलग से मिल जाता है, जिससे इस फोन की कीमत काफी ज्यादा कम हो जाती है। और ये फोन एकदम वैल्यू फॉर मनी वाली डील हमारे लिए बन जाता है। अगर आपका थोड़ा बजट ज्यादा है, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के इस फोन को खरीद सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप एक वन प्लस के फैन है, आपको एकदम वन प्लस के फोन चलाना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे वन प्लस का एकदम लेटेस्ट लॉन्च है OnePlus 9R। नॉर्मली इस फोन का कीमत है 42,000 रुपये, लेकिन बैंक डिस्काउंट लगाकर ये फोन हमें यहाँ पे सिर्फ 38,000 रुपये में मिलने वाला है। ये भी एक अच्छी डील है। जो वन प्लस का 9R एकदम लेटेस्ट फोन है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देता है, और इसे कैमरा, बैटरी, स्क्रीन वगैरह काफी अच्छी है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं कुछ बजट लेवल के फोन की, रेडमी का एकदम लेटेस्ट फोन है Redmi Note 11T 5G। अगर बात करें इस फोन की जो हाईलाइट फीचर है, इसकी 5000mAh की बैटरी है, 33W का चार्जर है, तो इस फोन की जो कीमत है, वो है 21,000 रुपये। अगर आप इस फोन को इस सेल में खरीदते हैं, तो ये फोन आपको मिलने वाला है 17,000 का। और SBI के क्रेडिट कार्ड के साथ, तो इसकी कीमत और कम हो जाती है। इस फोन में हमें कम से कम 1,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलता है, तो ये फोन हमें सिर्फ 16,000 में मिलने वाला है। ये भी एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाली डील है, आप इस फोन की तरफ भी जा सकते हैं। Redmi का ही एक दूसरा फोन है Redmi Note 10S। ये फोन भी काफी अच्छा फोन है। इस फोन की जो AMOLED स्क्रीन है, काफी अच्छी स्क्रीन है। इसका प्रोसेसर भी काफी अच्छा है। ये एक मिड रेंज का सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला फोन है। अगर बात करते हैं इस फोन के नॉर्मल प्राइस की, तो ये हमें हमेशा आज तक 17,000 रुपये की कीमत में देखने को मिलता था। लेकिन अगर आप इस फोन को अभी इस सेल में खरीदते हैं, तो ये आपको मिलता है मात्र 14,000 रुपये में। और साथ में कंपनी इसमें हमें 6 महीने की स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी भी देती है, यानी कि अगर फोन की स्क्रीन 6 महीने से पहले प्रॉब्लम करती है, तो आपको फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है। और अगर साथ में आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको इस फोन में 1,000 रुपये का डिस्काउंट और मिलता है, तो ये फोन सिर्फ 13,000 रुपये में आपका होने वाला है। ये सबसे अच्छी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाली डील है। अगर आपको कम रेंज में फोन खरीदना है, तो आपको बिना किसी सोच विचार के इस फोन को खरीद लेना चाहिए।
अगर आपका बजट कम है, अगर आपको सस्ते में एक फोन खरीदना है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है Redmi 9A। इस फोन की जो 5000 mAh की बैटरी है, बड़ी सी स्क्रीन है, काफी अच्छी है। इसका जो प्रोसेसर है G25, ये भी काफी अच्छा है। अगर आप इस फोन को पहले अमेजन पे खरीदते थे तो ये आपको देखने को मिलता था 8500 रुपए का, लेकिन इस वाली रिपब्लिक डे सेल में ये फोन हमें सिर्फ 7000 रुपए में देखने को मिलता है। और अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 700 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये फोन हमें देखने को मिलता है सिर्फ 6300 रुपए में। और अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो अपने दोस्तों या फैमिली से कहीं से भी आप इस कार्ड को अरेंज कर सकते हैं, तो आपको इसमें 700 का डिस्काउंट मिलने वाला है, जो बहुत बड़ा डिस्काउंट है। और इस फोन की जो फाइनल कीमत होती है 6300 रुपए, बहुत वैल्यू फॉर मनी वाली डील है। और अगर बात करते हैं दूसरे फोन के बारे में, यहाँ पे हमें सैमसंग का फोन देखने को मिलता है M12। ये फोन भी सैमसंग का बहुत अच्छा फोन है, जो इसकी 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, इसकी बड़ी स्क्रीन है और एक सैमसंग की ब्रांड वैल्यू है। तो ये फोन हमें नॉर्मली, जब पहले हम इस फोन को खरीदते थे तो ये हमें फोन 12000 रुपए में देखने को मिलता था, लेकिन इस डील में ये फोन हमें सिर्फ 9500 का देखने को मिलता है। और अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो ये फोन हमें सिर्फ 8550 रुपए में देखने को मिलता है। ये एकदम बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाली डील है। इस फोन के साथ जो हमें सैमसंग का UI, एकदम क्लीन UI, अच्छा UI देखने को मिलता है, उसके हिसाब से फोन एकदम बेस्ट है और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। और अगर बात करें कुछ अदर एसेसरीज की, तो इस वाली सेल में हमें कई सारी अदर एसेसरीज भी सस्ते रेट में देखने को मिलती है। अगर आप एक वायरलेस नेकबैंड खरीदना चाहते हैं गाने सुनने या कॉलिंग वगैरह के पर्पज के लिए, तो यहाँ पे एक ओप्पो की तरफ से बहुत अच्छी डील है, ओप्पो एंको M32 वायरलेस ईयरफोन। इस ईयरफोन की जो नॉर्मल कीमत है 2000-2500 तक देखने को मिलता है, लेकिन इस वाली जो सेल है इस फोन में हमें सिर्फ 1500 रुपए में देखने को मिलता है। इस वाली नेकबैंड की खासियत है कि अगर आप इसको एक 10 मिनट चार्ज करते हैं तो ये हमें पूरे 20 घंटे का बैकअप देता है, जो बहुत अच्छी बात है। इमरजेंसी के टाइम में काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी टीवी हैं, जिनमें रेडमी की टीवी है, सैमसंग की टीवी है, बहुत अच्छे डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप अपने घर का टीवी अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप उन डील की तरफ भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं। और अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान परचेस करते हैं तो यहाँ पर अगर आपके पास ICI का कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है, जिससे आपके कई सारे पैसे बच सकते हैं। एक रियलमी का फोन आता है 8i, अगर आप इस फोन को नॉर्मल खरीदते हैं तो हमें मिलता था 14000 रुपए कीमत में। अगर लेकिन इस फोन को यहाँ पे फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं इस वाले डील में, तो ये फोन आपको सिर्फ 11250 रुपए का पड़ता है बैंक ऑफर के साथ। अगर आपको रियलमी का फोन खरीदना है तो आप वहाँ पे इस फोन को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने से आपको अपने लिए एक अच्छी डील सेलेक्ट करने में हेल्प मिली होगी। ऐसे मौके हमेशा नहीं आते हैं कि हम जो हमारी ये महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं इतने सस्ते कीमत में हमें मिल जाए। अगर आपको अपना फोन अपग्रेड करना है, घर के लिए कोई नई एसेसरी जोड़नी है, तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। तो मुझे लगता है इस वीडियो को देखने से आपकी काफ़ी हेल्प ही होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय, जय हिंद।